बान खाना कांवड़ समिति 29 जुलाई को कचला घाट के लिए अपना जत्था कांवड़ के साथ लेकर जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के मोहल्ला बानखाना चौराहा से बानखाना कांवड़ समिति के अध्यक्ष सुशील शर्मा और गब्बर उपाध्यक्ष किशन मौर्य अंकित भारती ने जानकारी देते हुए कहा कि वे अपने 250 कांवड़ियों के साथ कचला घाट को 3 दिवसीय बैकुंठ कांवड़ यात्रा को बानखाना चौराहा से होते हुए थाना प्रेमनगर के अंतर्गत कोहड़ापीर कुतुब खाना थाना किला के अंतर्गत बड़ा बाजार किला अलखनाथ मंदिर पर माथा टेक कर रामगंगा रास्ते कचला घाट को रवाना होंगे। वहां से जल भरकर सोमवार को वापस इसी रास्ते से होते हुए बाबा त्रिवटी नाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम सुशील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय में रखी गई है? ये एक संदेश देना चाह रहा हूँ समाज को। पहली बात तो बानखाना चौराहे से कांवड़ समिति हमारी, मैं अध्यक्ष कमेटी का, लगभग 15 से 16 सालों से नाथ नगरी बरेली से हमारी कांवड़ उठती है, यहाँ से कचला हम लोग लेके जाते हैं। 29 तारीख को निकलेगी यहाँ से और अच्छी भव्य यात्रा है हमारी। तो मेरा लोगों से कहना ये, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, जुड़ें आ करके। और जैसे कि लोग बताते हैं, किसी की अगवा में ना जाए, किसी की के बानखाने में जो हो गया वो गया, कुछ नहीं होगा, हमसे कॉन्टैक्ट करें किसी भी तरीके, किसी के अगवा में ना जाए, किसी की बातों में ना जाए। और जैसे हर साल हम लोग कांवड़ लेकर के आते थे, वैसे इस साल भी अच्छी और बढ़िया कांवड़ लेकर के आएंगे और कोशिश चाहिए अच्छी और बढ़िया कांवड़ आए। और 2017 के बाद प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही हमारी कांवड़ के साथ, और मेरी अपनी रुपये से हम लोग प्रशासन से अच्छी व्यवस्था दें और अच्छी हम लोग देखभाल करें कांवड़ की। कांवड़ का रूट क्या रहता है, कहाँ से कैसे करके जाती है, किस तरीके से आती है कांवड़? बानखाना चौराहे से हम सीधे निकलते हैं कोहड़ापीर कुतुब खाना बड़ा बाजार अलगनाथ पे जाकर के मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ आरती करते हैं। वहाँ से हमारी एक बड़ी गाड़ी होती है जो कचला के लिए हम लोग जाते हैं। कचला में 29 तारीख की शाम को हम लोग जाएंगे, वहाँ रात में रेस्ट करेंगे, सुबह तीन बजे जल भरेंगे, आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम लोग बरेली को मतलब चलना शुरू हो जाएगी हमारी यात्रा। इस कांवड़ यात्रा में कितने लोग जाते हैं, कितनी संख्या हो जाती है? लगभग 200 से 250 कांवड़े होती है हमारे साथ में, लगभग 200-250 कांवड़े होती है। और जो क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कि कांवड़िया जाता है उसके घर के परिवार के 5 से 6 लोग होते हैं, तो लगभग 2500-3000 लोग, मोहल्ले के लोग भी होंगे, क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे उन सबका स्वागत रहता है हमारे साथ। वो सब हम लोग को छोड़ ले जाते विदा करने, लगभग 2500-3000 लोग होंगे। उसमें लगभग 4 बड़ी गाड़ी होंगे, एक सौंड की गाड़ी जो हर साल सौंड की गाड़ी जाती है, वही सौंड की गाड़ी, कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं, जैसे हम लेके जाते थे वैसे ही लेके आते हैं। इस कांवड़िए को आप क्या 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 सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं? कांवड़ियों को जिस कांवड़ी की इच्छा हो पैसे दे, ना इच्छा हो हम फ्री लेके आएंगे। में मतलब ये कांवड़िया जिस पे पैसे हों वो दे, ना हो वो ना दे, हम फ्री ले जाएंगे। रास्ते में खाना नाश्ता सब फ्री। प्रशासन का किस तरह का सहयोग रहता है आपका बानखाने चौराहे से लेकर के वहाँ तक का? प्रशासन का सहयोग है, प्रशासन का कहना परमिशन लेकर के ना, परमिशन हमने ले लिए, परमिशन की हमारी प्रक्रिया चल रही है, वो आप देख सकते हैं। हमारी बिना परमिशन के हम लोग कांवड़ उठाते नहीं है। और प्रशासन का जो है बहुत अच्छा सहयोग रहता है हमारे साथ, अच्छा कॉपरेट रहता है। और ख़ासतौर से आप जानते हैं बानखाना बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, मगर लोग कहते हैं मगर ऐसा कुछ है नहीं। हम तो 15-16 साल से कांवड़ उड़ाने, आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं, और भगवान की कृपा रही भोलेनाथ के, ना कभी दिक्कत आने देंगे। और जो हमारे दूसरे समाज के लोग हैं वो लोग हमारा स्वागत करते हैं, हमारे जो दूसरे समाज के जो मुसलमान परिवार के लोग हैं वो लोग हमारा स्वागत करते हैं, अब से नहीं 15 साल से करते हैं। आप इस बात को लेकर के कोई मैसेज समाज में गलत देता है कि ऐसा है वैसा, वो गलत बात। हम सब लोग दोनों समाज मिलकर के कांवड़ उठाते हैं। समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कांवर को, आपके मोहल्ले के लोग जो मोमडन परिवार के और लोग हैं उनको? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? वो साथ में हमारे जितने मोमडन परिवार हैं और वो हमारा स्वागत कर देंगे, करीब 5 से 6 जगह हमारा फूलों का स्वागत कर रहे हैं वो लोग, हसारी करते हैं। बाकी हमारे अंकित भारती हैं कमेटी में, और वो कुछ कहना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे इस कांवर समिति को लेकर? भाई मैं अपनी बानखाना कांवर समिति की ओर से ये कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र के सारे लोग, समाज के सारे लोग उपस्थित रहें, कांवर को जितना ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बनाएं, ताकत बढ़ाने से एकजुटता दिखती है। और मैं चाहूँगा कि आप 29 तारीख को उपस्थित रहें इस
कवरेज लें। देखिए आप बहुत सारे समाज के लोगों से जुड़ेंगे और मैं निवेदन करता हूँ अपने समाज के लोगों से कि अधिकतर लोग आप जाए, जो मेरे युवा साथी मेरे दोस्त वो सबके सब यहाँ उपस्थित हैं। 20 तारीख यही मैं निवेदन करता हूँ।